तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ, पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ, ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। कभी कभी मैं सोचता हूँ भाई अमेरिका वगैरह का दो तो आदमी सोचे भी, तो हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हो, हमने तो ऐसी ऐसी जगहों पे तिरंगा फहराया है जहाँ कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। लेकिन आज अगर मेरे अब्बू एक थप्पड़ श्रीकांत को या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें, तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान बन जाएगा कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। खास आइडियोलॉजी ने इस मुल्क का ये नुकसान किया है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांस। जो मेरा दर्द है, जो मेरे दिल की टीस है, मैं दुआ के तौर पे, मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, मैं एक नज़्म पढ़ता हूं साहब, कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। किससे सलामत रखना ये आप सब जानते हैं, मैं नज्म पढ़ रहा हूं, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद इस नज्म का, ये जो कुछ चारों तरफ बिखरी हुई नफरतें हैं उन्हें समेट के एक बंद पढ़ता हूं, कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह वाह, कमजोर ताली में सुनने से काम नहीं चलेगा। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, आपको क्या लगता है इस नफरत वाले माहौल में ये सब पढ़ पाना बहुत आसान सा है? नहीं, शायद आपकी दुआओं की ताकत है, आपकी तालियों का शोर है जो हिम्मत देता है, जो ताकत देता है, वरना बड़ा मुश्किल है साहब। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं बगावत करने की हिम्मत करता हूँ, आप मेरा साथ देके मुझे बताएं, कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं साहब, क्रिकेट मैच हो रहा हो या इन दिनों तो जंग का माहौल सा ही बना दिया गया, ऐसे वक्त में जब भी आप अपना सोशल प्लेटफॉर्म का इनबॉक्स चेक करें तो लंबी चौड़ी गालियों की एक फहरिश्त होती है कि साहब अच्छा मुझे तो खास तौर से कि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है तो ये लो तुम्हारे तोहफे में ये गालियां, तुम्हारे तोहफे में ये गालियां। एक ने तो अभी परसों मैसेज किया कि तुम तो उन्हीं की तरफ होगे, ये वो सवाल है जो हर दिन हमें आपको सुनने पड़ते हैं। मेरे पास जवाब में कहने को बहुत कुछ था लेकिन मैंने पलट के जवाब में सिर्फ एक तस्वीर भेजी,
कि हिंदुस्तान का एक कोई आम सा मुसलमान है, वो हज करने गया हुआ है, खाना काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथों में तिरंगा है। मैंने बस इनबॉक्स में पलट के वह तस्वीर भेजी और उससे कहा कि मेरे भाई, हमने तो, हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हो, हमने तो ऐसी ऐसी जगहों पे तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। मैं एकदम बढ़ता हूं आपसे दुआ मांगता हूं। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। रहमान साहब, नासिर साहब, ये तमाम बड़े लोग यहां बैठे हैं इस महफिल में, मैं पढ़ता हूं ये बंद। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगले दो मिसरे पे एक एक हाथ को कसम, और ये तालियां पूरी रोशन भाई के दामन तक जाएं, क्योंकि आज इन्हीं की मेहनतों से ये मुशायरा सजा है। मैं पढ़ता हूं साहब। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, वाह वाह वाह, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूँ साहब। वैसे कहा जाता है कि इमरान, शायरी तो बड़ी मोहब्बत की जबान है, बड़ी मीठी जबान है, इतने कड़वे क्यों हो जाते हो, इतना तीखा क्यों बोलने लगते हो, और एक हुकूमत और एक खास पार्टी के खिलाफ इतने हमलावर क्यों हो जाते हो? क्यों हो जाता हूँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि क्यों हो जाता हूँ इतना गुस्सा। कुछ बड़े तो कहते हैं मोहब्बत के शेर पढ़ा करो, तुम्हारी तो उम्र भी है, तुम पे सूट भी करता है, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि मोहब्बत के अशआर कहूँ, लेकिन फिर जब मैं अपने आस पास नजीब की माँ की चीखें सुनता हूँ, जब मैं पहलू खान की 85 साल की बूढ़ी माँ की चीखें सुनता हूँ, जब मैं रोहित वेमुला की माँ की चीखें सुनता हूँ, तो मुझसे नहीं कहे जाते मोहब्बत पर शेर, मुझसे कहा जाता है माँ के भीगे हुए आंचल पर, माँ के भीगे हुए दामन पर मुझे नज्म कहनी पड़ती है। मैं क्यों कहता हूँ, मैं, मुझे याद है मैं 7वीं में पढ़ता था, 6वीं में, मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ता था, उसका नाम था श्रीकांत मिश्रा, हम दोनों साथ स्कूल पढ़ने जाया करते थे, 12 किलोमीटर मेरा स्कूल था, हम दोनों साथ एक साइकिल से जाते थे, 6 किलोमीटर वो चलाता था, 6 किलोमीटर मैं थोड़ा चालाक था, तो कभी कभी मेरे हिस्से की भी साइकिल उसे चलानी पड़ती थी, हम दोनों कभी कभी स्कूल छोड़ देते थे और क्रिकेट खेलने भाग जाया करते थे, अब्बू को पता चलता था तो तलाश शुरू होती थी, और पकड़ने के बाद पिटाई होती थी, तो जितने थप्पड़ मेरे हिस्से में आते थे, मेरे अब्बू उतने ही थप्पड़ श्रीकांत को भी मारते थे, या कभी श्रीकांत के पिताजी पकड़ लेते थे तो जितने थप्पड़ उसको मारते थे उतने ही मुझे भी मारते थे। लेकिन आज अगर मेरे अब्बू एक थप्पड़ श्रीकांत को या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें, तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान बन जाएगा कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। ये नुकसान किया है, एक खास विचारधारा ने, एक खास आइडियोलॉजी ने इस मुल्क का ये नुकसान किया है, इसलिए शायद उनके खिलाफ हूं। मैं ये बंद पढ़ता हूं। कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। क्या सच्चाइयां, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक उन्माद फैलाया गया है, एक एक माहौल बनाया गया है, नफरतों की एक दुनिया खड़ी की गई है। सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अगर अब चुप रहे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ये एक सच्चाई है। मैं हिम्मत करता हूं, लोग कहते थे मत बोला करो, परेशान हो जाओगे,
तब मैं उनसे कहता था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। तमाम ट्रेवल एजेंट निकल आए हैं, तो वो केंद्रीय मंत्री, लेकिन उनका काम दूसरा जो है वो ट्रेवल एजेंसी का है, और सिर्फ एक मुल्क का टिकट देते हैं वो, पाकिस्तान का। ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ, ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। कभी कभी मैं सोचता हूं भाई, अमेरिका वगैरह का दो तो आदमी सोचे भी, नरक में कौन जाएगा। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम, हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की